तो जाके डालाना जाओ वो देखो अब वो बात नहीं है ना यार, अबे मैं बोल रहा यार 4 लाख का ले लो 3 लाख का ले लो, देखो चीज़ ऐसी मेरी। एक मेरी गलती ये थी कि इसने जो मुझे पैसे बोले थे ना वो मैं समझा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, सच्ची बात ये, लेकिन ये उसने बिल्कुल तोड़ मरोड़ के बताए थे। चलो अबे वहाँ चलो ना, कितने दिए दिखाओ, रख लें जेब में, रख लो इसको, पैसे हैं रख लो जेब में, आ जाएंगे आपके जेब में। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज आदिल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो दोस्तों आ गया है संडे और आ गया है वो दिन जिसका था आप सबको इंतज़ार और हमें भी बहुत इंतज़ार था कि कब जाके हम उस बछड़े का सौदा करेंगे। तो अली भाई उठ चुके हैं और अभी रेडी हो रहे हैं नाश्ता वाश्ता करके, मैंने नाश्ता कर लिया, अब यहाँ से जाएंगे हम कैटल फार्म पे। और राफे ने जो हमें डिमांड बताई थी, मैं आपको बताता चलूँ कि डिमांड राफे ने हमें बकरीद तक की पलाई के साथ 8.5 लाख रुपये बोली थी, अब वो फाइनल है या नहीं वो हम राफे से चल के पूछते हैं और हमारी जो अपनी रेंज है हम वो लगा के देखते हैं। अगर बछड़ा इतने में आता है तो इंशाल्लाह उसको लेंगे, अगर नहीं आता है तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर दूसरा ही देखना पड़ेगा, क्योंकि जितनी इंसान की चादर है उसको उतने ही पैर फैलाने चाहिए, कुर्बानी का अमल इतना हो कि जेब पर भारी ना पड़े। तो हमारे जो बड़े भाई हैं जो कि बिलाल भाई, वो मंडी में वैसे तो काले पे काले बछड़े देखते हैं और अभी वो मना कर रहे हैं कि भाई इतना बड़ा मत लो, इतने में तुम लोग 2 गायें ले लो, एक गाय घर के लिए रख लेना और एक गाय को तुम लोगों के मतलब किसी ऐसे मोहल्ले में ज़िबा करवा दे, लोगों में गोश्त तकसीम हो जाए और जो घर पर कुर्बानी होगी उसमें थोड़ा गोश्त घर पर रख के मोहल्लेदार या फिर हमारे ख़ानदान में जो जितने भी लोग हैं मुस्तैक उनको डोनेट कर देना। तो 2 गायें बिलाल भाई बोल रहे हैं, अब दिमाग बिल्कुल ही अलग सोच रहा है कि हम अब इतने अच्छे पैसों में हमें वो बछड़ा मिल रहा है और अभी चल के बछड़ा दिल को भी लग गया है, चल के दिखाता हूँ मैं आप लोगों को भी पसंद आ गया बछड़ा, अली भाई को भी पसंद आ गया, अम्मी को भी पसंद आ गया, लेकिन जो बाहर अमेरिका वाले भाई हैं ना बिलाल भाई वो कह रहे हैं कि यार 2 गायें कोशिश करो। तो इस वक्त बहुत कन्फ्यूज़ है कि क्या करें, अली भाई मुझे बछड़ा पसंद आ गया है बहुत अच्छे पैसों में मिल रहा है, दूसरी तरफ बिलाल भाई कह रहे हैं कि 2 गायें लो और वैसे भी आधे पैसे बिलाल भाई देते हैं आधे पैसे अली भाई देते, तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ कि करना क्या है। अली भाई को मैंने यही बोला, अली भाई कह रहे हैं अभी चलते हैं इसको, अभी नियत नहीं करते कुर्बानी की, अगर ये अच्छा बन गया बहुत तो घर पे ले आएंगे और अच्छा नहीं बना तो इसको सेल आउट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि बड़े भाई हैं उनका भी फैसला मद्देनज़र रखना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हम 2 भाई एक तरफ हो गए, दूसरे भाई का फैसला गलत साबित नहीं कर सकते या फिर ऐसे नहीं कर सकते कि नहीं भाई हमें पसंद आ गया हम अपनी मर्ज़ी से लें, तीसरे भाई की भी हामी बहुत ज़रूरी है। तो अभी चलते हैं, अगर वारे के पैसों में हो जाता सौदा तो कर लेंगे और अगर भाई ने मना कर दिया तो उसको हम बकरीद में बेच देंगे। पहले तो चल के बात करते हैं राफे से कि वो बछड़ा हमारे बारे में आ रहे नहीं। शमू चलो शोधा करने, चलो शोधा करने, शोधा करने जा रहे हैं और गाड़ी में भी तो लेकर आना है फिर उसको घर पे। गाड़ी तो लेने चलेंगे, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कितने दिए दिखाओ, रख लें जेब में, रख लो इसको, पैसे हैं रख लो जेब में, आ जाएंगे आपके जेब में। वाह, फार्म आ चुके हैं भाई, फार्म पे आ चुके हैं यार अभी, ठीक है, और राफे का इंतज़ार कर रहे हैं, राफे जैसे ही आता है तो फिर उसके पास सौदे के लिए बैठते हैं और सौदा हम दिखाएंगे आपको लाइव। ये पीछे बछड़ी बंधी हुई है जो नहीं आई थी मिस्री हो, वो हमारा वाला बछड़ा बंधा हुआ है। क्या हो गया क्या हो गया मेरी जान कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह ज़रूर लिख देना भाई, अब देखते हैं नसीब में है या नहीं। ये शोर है, हम घूम रहे हैं वहाँ पे, यहाँ मैं और अली भाई बैठे हैं। अली भाई क्या करना है फिर? बस भाई बात करनी है, देखो नसीब की बात है क्या होती है बात, इंशाल्लाह कोशिश तो पूरी यही है आज आया इसीलिए कि फाइनल करके आया है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और देखो चाचा भाई दिखाना दे जाचू, अबे आगे से पीछे से इसको दे दो दिल। अबे लोग क्या आप भी पकड़े लाएंगे? कहाँ जाओगी? रस्सी छोड़ दे दी जाती इसकी। नहीं उसको रस्सी नहीं छोड़ना। अभी रस्सी छोड़ दे मैं पकड़ लूँगा।
सूरत आली भाई कितनी माशाल्लाह। अच्छा तपरी में लगी हुई है मछली में। मैंने एक चीज नोट करी ली में, जैसे मछली सीधी नहीं खड़ी होती, मचलते रहेगी। ये देखना मिस रियो है, ये मिस रियो खूबसूरत तरीन। आप भी पकड़े ही रहेगा माँ। चलो चलो घुमा लो, लाओ वो देखो तो कहाँ है तुम। कहाँ हो? मैं रुक जाओ, बस छोड़ दो अभी चाचा, आप छोड़ दे बेटा। ये एक बार चली गई। एक बार ले आए भाई, ले आए इसको, ले आए भाई, घुमाओ शामू। चलो भाई आ जाओ, चलो अबे वहाँ चलो ना। क्या हुआ शामू, क्यों घुस रहे हो? आ जाओ आ जाओ। अरे चाचा मुझे दे दो, भागे गए। चलो चलो, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई राफे भाई हमारे साथ आ गए। राफे भाई हमारा मसला पता है क्या, हम लोग करते हैं 4:30-5 बस, इससे ज़्यादा के ना ऊपर की हम कुर्बानी नहीं करते। अच्छा मसला ये है कि अब आ गया इसको पसंद, अब ये पीछे पड़ा रहता है भाई। मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं, राफे से बात करते हैं कि भाई कहाँ तक हो सकता है। भाई ये नहीं कह रहे कि तुम देखो दोस्ती आ रही, मेरी तुम नुकसान नहीं करना अपना। ये बात राफे आज जो बात यहाँ होगी ना, देखो ना इससे कभी ये होगा कि दिल को बुरा लगा, बिल्कुल ना ऐसा कुछ होगा क्या तुमने बछड़ा हमें नहीं दिया। अल्लाह ना करे नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ क्या, हमारा तुम्हारा से कोई और चीज़ आएगी, कोई चीज़ और आ जाएगी या कुछ उस पर कर लेंगे, या तुम उस पर नुकसान नहीं करो अपने पैसे। नहीं तो फिर सही हक वाली बात है ना। हमारी जो रेंज थी भाई, मेरी रेंज थी 4 लाख रुपए, ठीक है। अदील ने मुझसे बोला अली भाई पसंद आ रहा है, मैंने कहा चलो ठीक है एक बंदा बैठ के बात करता है। चलो यार हम लोग कुर्बानी वही 4-4.5 लाख रुपए में करते हैं, बकरे वकरे लिया है और ये बकर के 4-4.5 लाख रुपए की कुर्बानी होती है। मैंने ये सोचा था कि मैं 5 लाख रुपए हूँ, लेकिन अब तुम बोल रहे हो कि बात वो वाली है कि वो हो नहीं सकती, तो हमारी भी रेंज, हमें भी अपनी रेंज देखनी है। हमारे इंसान यार देखो अपने करते हैं, क्योंकि हमारे तो कारोबार वगैरह है नहीं, बिल्कुल हम जॉब वाले बंदे हैं और सिर्फ शौक पूरा करते हैं। और तुमने जिस तरीके से बोला तो हमें तो बहुत सहूलत हो गई कि यार अगली बार, क्योंकि तुमने फिर पैसों का भी बोल दिया था कि कोई भी वो बना लेंगे पैसों की, शेड्यूल कर लेंगे कुछ कर लेंगे। मैंने कहा चलो जैसा भी होगा वो कर लेंगे, वो तो होता है यार, चीज़ अब तुम्हारे पास ही खड़ी है तो फिर कहीं कहीं ना जाने वाली चीज़ है और ना कुछ है। तो अब तुम आखिरी इसको बता देता कि इसके एक दिमाग में ये ना हो कि हमने कम रेट लगाए। जो है ना मेरा पूरा माइंड ये है, देखो हर इंसान की अपनी चीज़ होती है। अब तुम्हारी चीज़ है, मेरी जो रेंज है मैं उस पर करूँगा, मेरी रेंज है 4 लाख रुपए। अब मैं तुम्हें फाइनल मेरी जहाँ तक की रेंज बनेगी मैं 5.5 लाख रुपए तक मैं सोच रहा था। अब तुम मुझे बताओ कि तुम कहाँ तक कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं है तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कैसी नहीं है यार, क्लियर बात। अब वो बात नहीं है ना यार, मैं बोल रहा यार 4 लाख का ले लो 3 लाख का ले लो, देखो चीज़ ऐसी। एक मेरी गलती ये थी कि इसने जो मुझे पैसे बोले थे ना वो मैं समझा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, सच्ची बात ये है, लेकिन ये उसने बिल्कुल तोड़ मरोड़ के बताए थे। बिल्कुल ऐसा ही ये मुझसे अगर उस वक्त बोलता ना कि भाई वो बिल्कुल ही फाइनल बोल रहा है, तो शायद मैं इस तरीके से बात करने भी नहीं आता, क्योंकि हमारी तो रेंज से वैसे ही थोड़ा सा ऊपर था ना। अब तुम बता दो ये कुछ है, गुंजाइश है, कुछ बन सकता है, कुछ ऐसा हो कि जिसमें तुम्हें भी नुकसान ना हो, हमारा भी कोई शौक पूरा हो जाए जी, मोहब्बत वाले ऐसे कुछ हो जाए कि हाँ यार चलो अली भाई ये इसमें बात ही है। तुम एक चीज बता दो, अगर ये बछड़ा ना हुआ ना तो तुम्हारे फार्म से छोटा ही लेंगे हम बछड़ा, क्योंकि हमारे एक भाई बोल रहा है कि बताऊं मेरी बात याद रखना, जो भी चीज लेनी है अब लेनी है ही सही, बिल्कुल वो कोई मसला नहीं। अब मैंने ना पहले इधर उधर माइंड इधर उधर करना सब छोड़ दिया, मेरी नज़र में ये था ये नहीं होगा तो इससे अच्छा। अब मैंने तुम्हें रेंज भी बता दी है जी, कि अब ये है कि यार इस तरीके से बाकी तुम बताओ। अली भाई मैं आपको बताता हूँ, मैंने अदील को जो रेट बोले थे ना ये ऐसे बोले थे, इससे नीचे मैं जाऊँगा ना मुझे नुकसान इसमें, देखें पलाई भी होगी बिल्कुल इसको, घी मक्खन ये सारी चीज़ें चलनी है
स्पिन ना उल्टा ना मेरी जेब से जाएगा, जेब से जाएगा। नहीं नहीं वो तो जेब से जाने वाली तो चीज होनी नहीं चाहिए, जो मैं बता रहा हूँ क्लियर बात बता रहा हूँ। तो ये वाली बात है सारी, जो मैंने पलाई के साथ पूरा वो बना के आपको दिया था कि इतने में ये बिल्कुल डॉट हो जाएगा। हालांकि मुझे जो पलाई के साथ मैंने रेट बोले थे इससे थोड़े से कम रेट मुझे ऐसे ही लग रहे हैं वो लेके जाएंगे। सही है, बस अदील भाई की मोहब्बत में मैंने ये बात बोली थी। बिल्कुल यार, तुमने रेट भाई तुम्हारे रेट पे तो कोई शक ही नहीं है, वो ऐसे रेट हैं, वारे वाले रेट थे, इसलिए मैंने डिस्क्लोज भी नहीं करे थे कि अगर मैं वो वीडियो लगाता ना मैं शायद लगा सकता हूँ, अगर वो रेट बोल देता ये शायद ही खड़ा होता भी यहाँ पर। नहीं नहीं, मैं भी अपनी क्लियर बात बताता हूँ, ये पूरा अभी तकरीबन 8 महीने 9 महीने पड़े हैं। हाँ बिल्कुल, 9 महीने में ये तकरीबन 2.5 लाख तो भी 2.5 लाख 2.5 लाख ही लगा लो, खाएगा। वैक्सीनेशन भी होनी है उसकी, वैक्सीनेशन हो रही है सारी चीजें, तो इसमें ना फिर मैं लॉस में जाना शुरू हो जाऊंगा, और वो हम चाहते नहीं। बिल्कुल देखो एक चीज बताऊं, चीज जैसी है ना, मेरा तो नहीं दिल कर रहा छोड़ने का, लेकिन वजह सिर्फ इतनी है, शायद जिंदगी में ऐसा हुआ है कि जब सब तक कुर्बानी कर रहे हैं कि अदील को कोई ब्लैक चीज पसंद आई। और अदील की बात पता है आदत क्या है, अच्छा ठीक है यार भाई सही है, अगर नहीं हो रहा ना छोड़ो, बाद में देखेंगे दूसरा देखेंगे, लेकिन ये इस पर अटक गया है आकर, तो इसके लिए भी फिर भाई मैंने 1.5 लाख रुपए ऊपर और बढ़ाया। मैंने कहा यार नहीं यार, इसका शौक है, इसका शौक पूरा करेंगे। फिर बकरे बकरे और ये बकरे भी मैं वो वाले तो लेता नहीं हूँ कि यार 15-20-18 वाले ले लिए बकरे। बिल्कुल, अब तो ये सारी चीज़ें एक रेंज होती है। अब मसला पता है क्या, मैं सच्ची बात तो ये है कि हम लोग जो कुर्बानी करते हैं ना वैसी लोग की एक चीज़ नज़र होती है यार, आपको पता है हम वैसे किराए के घर पे रहते हैं, तो मम्मी का ये भी ऑप्शन था कि तुम लोग तो महंगी गाय क्यों ले रहे हो, लोग बोलेंगे, होता ही है सोसाइटी में, सोसाइटी में लोग बोलते हैं। अभी भी हम रास्ते में यही बात करते हुए आ रहे थे, भाई ने बोला भाई मैं इतने पैसे दे दूंगा, मैंने चलो तुम इसका शौक है ना तुम इतने पैसे दे देना, बाकी का मैं कर लूंगा। बाकी भाई माजरत अगर तुम्हें नहीं 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 बुरा नहीं, 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 नहीं है ना कि यार इतने दिन इंतजार कराया ये वो, क्यों भाई आप सौदा सही भाई, मैं तो बोलता हूँ कुर्बानी ऐसी करे बंदे जेब पे भारी ना पड़े, जितना जेब में हो ना आप उतना लगाओ, बोझ से कुर्बानी नहीं होती। अब मैं किसी से उधार ले लूं या इसको, अच्छा ये भी कर सकते थे कि हम बोलते कि भाई तुम इतने ले लो बाकी हम तो तुम बाद में ले लेना, वो गलत है ना यार, क्यों इसके ऊपर मैं बटन दूं, क्यों बटन दूं चीज उठाने से पहले, क्या शायद मैं 2-1 महीने पहले ही तुम्हें अगर लेता तो पूरी पेमेंट करता 2 महीने पहले कि भाई ये पूरी पेमेंट है, और मैं ऐसा भी नहीं करता कि मैं तुम्हें ये बोल देता कि नहीं बस अब मैं इससे पहले पेमेंट करूंगा, मैं आपको पेमेंट कंटिन्यू करता रहता, ऐसी कोई सेटिंग बना लेते जिसमें तुम्हें भी बटन नहीं होता, क्योंकि भाई तुम्हारे भी 10 एक्सपेंस हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि तुम्हें भी मैं बोल दूँ नहीं राफे भाई मैं आपको 3 महीने पहले आपकी पूरी पेमेंट करके उठा दूंगा, बछड़ा तो आपके पास ही ना। बिल्कुल नहीं ऐसा ही है वो, अब मैं ऐसा करता कि भाई मैं मंथली तुम्हें शायद 50,000 भी दे देता, हो सकता है मंथली मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए भी दे देता, और अच्छा मैं अपनी सेटिंग बना के बयाने भी लेकर ही आए थे तो रखा हुआ अंदर, बोल तो मैं दिखाऊं, मैं लेकर आया हूं पैसे, वो मसला नहीं है, मैं आया ही इसीलिए था, वो लेकर आएगा पर अरे वो मसला नहीं है भाई। नहीं देखो राफे भाई, देखो तुम्हारी आदत बड़ी अच्छी लगी, अदील बहुत कम लोगों के साथ बैठता है, मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये वो खर दिमाग इंसान है कि अगर किसी से एक बार हो जाए बोलता यार हटा, भाई मुझे उससे कितना भी फायदा हो ना, मैं बोलता हूँ नहीं, जब बात आ गई ना कि अपने ऊपर आ गई, तो मैं कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई ये बछड़ा नहीं हो तो हम तुमसे खत्म, नहीं नहीं वो राफे भाई फिर बता दो क्या सीन है, नहीं है क्या बटन तुम पे पड़ रहा है तो फजूल, हम तुम्हारे नुकसान देखे हमारी कुर्बानी हो जाए तो लाना थे, फिर क्या बात है, ऐसी चीजें नहीं होती, बेकार है चीज। अबे भाई आखिरी एक क्या है आपका, कुछ कहीं से वो एक आध भूसे की बोरी वोरी कम करके निकालो गुंजाइश, एक दिन का 20-30 दिन का मैं उठा लेता उसका खाने का बेड़ा। अरे बात अली भाई के अपना राशन को पर सारी बात आ रही है, राशन तो मैं दे दूंगा क्या लो, इसका फर्क कितना है बता दो, तुम बताओगे अली भाई यहाँ तक है, कोई सेटिंग करो, कोई तो होगी, कुछ तो होगा सेटिंग, दिन में तो है ना गुंजाइश है दिन में, नहीं नहीं मैं बताता हूँ वो मसला नहीं है, आप ऐसी ले आओ, कोई नहीं, नहीं, मसला नहीं, जब इसने पहले एक बंदे को लेके जा चुके बड़े, वो घर पर आ गया गाड़ी लेके भाई वापस, दोनों पैसे बोले मैं तो लेके जाऊंगा, तो बचिए लेके जाऊंगा, मजाक कर, बात ये आ रही है कि अपना के राशन में कमी आ जाएगी, क्योंकि कॉस्टली अभी राशन बहुत महंगा हुआ है, सही बात, कमी आ नहीं होगा फकीर भाई, नहीं होंगे ले जाएंगे कुकुल के, अच्छा नहीं लग रहा, नहीं नहीं अबे भाई हक वाली बात है, तुम्हारी चीज है
हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि नहीं तुम भाई देख, हमारा तो पूरा माइंड था कि राफे शायद मान जाए या कोई कमी पेशी निकाल ले, हम बयाना भी लेकर आए थे। लेकिन बात ये है कि देखो फायदा नहीं है, जब यहाँ आके सारी चीजें बात हुई ना, एक बात खुली बात क्लियर हो गई कि भाई नुकसान है। बात वो नहीं है ना, जब इसको नुकसान है तो मैं किस मुंह से आऊंगा यहाँ पर फिर? तुम अभी भी कर सकते थे कि हाँ यहाँ चाहिए अली भाई, ठीक है मान जाते, लेकिन तुम पलाई में करते हैं, डंडे मार देते करते थे, बोले भाई आपके बछड़े ने खाया नहीं, मैं क्या इसको, मैं थोड़ी खिला रहा था, मैं वो थोड़ी फीडिंग करवा सकता हूँ उसको जबरदस्ती हाथ से ना। आप तो कुछ भी बोल सकते हो, बोलने वाले जो होते हैं ना वो 10 बातें कर देते हैं, यार आपने तो ये किया था, मैंने तो दे दिया था, है फिर अब मैं डंडी मारूं वो करूं तो ऐसा काम ही नहीं है हमारा। बात ये चलो नसीब में नहीं था शायद अल्लाह पाक ने, बाकी ये वाली बछड़ी क्या मांग रहे तो ये इस पे मुझे सुनाएगा अभी। अरे नहीं वो बात, तुम कोई कोशिश कर लो, वैसा होगी नहीं मुझे पता, तुमने जब वो बात करी है ना तो तुमने करी होना, तुम बोलते थे अली भाई यार आप इतना कर लो, मैं इतना कर लेता हूँ, बीच का कोई रास्ता निकाल लेता, तो मुझे ज़रूर बता देना कि अली भाई आप देख लो। हाँ इंशाल्लाह, लेकिन देखें जो क्लियर बात है मैं बात यही है, क्योंकि सीधी बात जो है मैं क्लियर बात करूँ। तुमने जो अपने वो बताए आखिरी पैसे बताए उसमें कोई कमी पेशी है या नहीं? आखिरी बात बस सही है, छोड़ दो भाई। अली भाई और राफे के दरमियान जो मुज़ाकरात से जो हमारा सौदा था वो समझो कैंसिल हो गया, क्योंकि फ़र्क है यार, 1,00,000 रुपये का फ़र्क आ गया है। राफे ने जो पैसे बोले, हमने जो पैसे लगाए उसमें 1,00,000 रुपये फंस गए, और राफे ने मुझे बोला था कि 8:30 के बावजूद उसने पैसे बहुत कम करे, लेकिन उसने इतने कम किए हैं कि हमारी रेंज में और उसके बताई हुई डिमांड में 1,00,000 का फ़र्क है। अब वो बोल रहा है कि ये अगर मैं 1,00,000 रुपये कम करूं भी तो फिर मेरी पलाई के चार्जेस कम होंगे और वो मेरे जाएंगे जेब से, और अच्छा नहीं लगता कि हमारी कुर्बानी और किसी और की जेब से क्यों पैसे जाएँ भाई। तो ये अली भाई और राफे पीछे फिर भी कोशिश कर रहे हैं बात करने की, समझो कि बस 1,00,000 रुपये बिल्कुल तोड़ गए, ना हमारे गुंजाइश है ना राफे की गुंजाइश है कम करने की, और अब सौदा बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि राफे बोल रहा है कि अदील भाई ये बछड़ा ना आपको मार्केट वैल्यू के हिसाब से मैं बहुत कम में दे रहा हूँ, और कुर्बानी के वक्त ये तकरीबन 10-11 लाख रुपये का हो जाएगा, और मेरे बर्डन पड़ेगा जेब पे अगर मैं 1,00,000 रुपये की ये जो गुंजाइश है ख़त्म करता हूँ, मैं 1,00,000 रुपये के गुंजाइश निकालता हूँ, तो एक इशू ये है कि मेरी जेब पे भारी पड़ेगा ये बछड़ा, और अच्छी बात नहीं कि हमारी कुर्बानी किसी की जेब पे भारी पड़ेगी। आपके सामने टोकन भी लेकर आए थे 50,000 रुपये, और राफे को भी दिखाया कि भाई हम सिर्फ मस्ती करने नहीं आए थे, तो अब देखते हैं क्या होता है इसके फार्म पे, दूसरा बछड़ा देखते हैं, या तो कोशिश करते हैं कि मेरा कुछ काम हो जाए फेसबुक के, या तो मेरे यूट्यूब पे कुछ पेमेंट आ जाए तो वो 1,00,000 रुपये का फ़र्क हम मिटा दें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कुछ होना है, क्योंकि पाकिस्तान में जो फेसबुक के चार्जेस हैं, जो फेसबुक की पेमेंट है उसका तो एक इशू है ही है, और साथ साथ मेरी यूट्यूब का भी थोड़ा सा मसला चल रहा है, RPM बहुत कम आ रहा है जिसकी वजह से 3-4-5 महीने में एक पेमेंट निकल ली, तो मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल हो गया। तो दोस्तों सौदा हमारा नहीं बना है, लेकिन कोई मसला नहीं, अल्लाह पाक किसी चीज़ में बेहतरी करता है, और हम एक मिडिल क्लास हैं ठीक है, और इतने वहाँ पर नोट नहीं है कि हम लोग 1,00,000-1.5 लाख रुपये बढ़ाएं अपनी रेंज के, वैसे ही हम लोग BCR डाल के और पैसे जमा करके कुर्बानी करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।